प्रवेश की पा चुके हैं जोरदार तालियों के। अतिथि के रूप में हमारे बीच डॉक्टर पीयूष सिंगला साहब आयोजित हुए, तत्पश्चात एडीसी जम्मू के रूप में अपनी बात डिप्टी कमिश्नर गांधरबल और उसके बाद एक ऐप आधारित मोबाइल ऐप सुकून को सिंह की कमान में सलामी मंच के आगे से गुजरता हुआ जोश से भरपूर सलामी मंच की ओर निहारते हुए कमांडर मंच के आगे से गुजरता हुआ एक से बढ़कर एक प्रदर्शन करती हुई है कन्याएं पीजी कॉलेज गर्ल्स एनसीसी एसआई जगदीश चंद्र की कमान में माननीय मुख्य अतिथि को सलामी प्रस्तुत कर अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है जिन्होंने हमारी मातृभूमि की गरिमा और स्वतंत्रता के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। यह दिन हमें उन सभी को एक समृद्ध और सम्मानजनक श्रद्धांजलि देने का अवसर भी प्रदान करता है। शिवरात में मैं आपको सभी को बधाई देना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में पहली बार 3 स्तरीय पंचायती राज लागू हुआ है जिससे स्थानीय मुद्दों को स्थानीय स्तर प्रभावी ढंग से हल करने संभव होगा। माननीय उपराज्यपाल जी के कुशल मार्गदर्शन में वर्तमान सरकार जम्मू कश्मीर को विकास और समृद्धि के गौरवशील मार्ग पर ले जाने की पूरी कोशिश कर रही है। इस क्रम में हमारे जिले में अनेक विकास परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जैसे पवित्र नदी देविका को प्रदूषण मुक्त करना, देविका परियोजना। इस प्रतिष्ठित परियोजना का काम जोरों पर है और अब तक लगभग 45 किलोमीटर सीवरेज पाइप लाइन बिछाई जा चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र मानतलाई, यह केंद्र इस वर्ष पूरा हो जाएगा और जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। राष्ट्र मार्ग NH44 उधमपुर से चनैनी तक चल रहे 4 लेन का निर्माण कार्य इस साल जल्दी पूरा होगा, जिसमें 90% से अधिक कार्य पूरा हो चुका है। मेडिकल कॉलेज उधमपुर में एक मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी गई है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने हेल्थ डिपार्टमेंट को लगभग 214 कैनाल भूमि सौंप दी गई है। उधमपुर में प्रस्तावित GMC के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए प्रपोजल मांगे गए हैं। कूड़ा निस्तारण के लिए सुई जक्कड़ में प्लांट का निर्माण हो चुका है। इसी के साथ देविका थीम पार्क, देविका घाट पर ग्रीन स्पेस और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए थीम पार्क का काम भी जोरों पर है और जल्द ही पूरा हो जाएगा। जीविका भवन का निर्माण भी शीघ्र पूरा हो जाएगा। इसी के साथ कई परियोजनाएं पूरी हुई हैं और जनता को समर्पित की गई हैं। मुझे विश्वास है कि ये परियोजनाएं हमारे जिले को विकास की नई ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगी। जैसा कि आप सब जानते हैं, जिला प्रशासन ने आम जनता के लाभ और सेवाओं के प्रभावी वितरण के लिए कई पहल की हैं। जिला उधमपुर खेती के क्षेत्र में अग्रणी है और अन्य जिलों के किसान जीविका स्थलों के लिए एक्सपोजर के दौरे पर आ रहे हैं। COVID-19 महामारी के दौरान यहां अच्छी तरह से स्थापित व्यवसाय अच्छे रिटर्न देने में जहां असफल रहे, वहीं जीविका उद्यमियों के चेहरे पर मुस्कान रही क्योंकि उन्हें अपने उपज का अच्छा मूल्य मिलता रहा। नरसू में बनने जा रहा रूरल हाट से स्थानीय उपज का सीधा व्यापार होगा जिसमें आसपास के क्षेत्र के किसानों को भी लाभ मिलेगा। सेक्टर वाइज हाइलाइट्स इस प्रकार हैं। राजस्व विभाग सभी राजस्व सेवाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में कुशलतापूर्वक प्रदान किया जा रहा है और जिला प्रशासन का मुख्य ध्यान डिजिटल रूप से अधिकतम सेवाएं प्रदान करना है। प्रिय नागरिकों, जैसा कि आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर सरकार ने बैक टू विलेज और माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रमों से बुनियादी ढांचों का आकलन किया और इस आधार पर लोगों की बुनियादी जरूरतों और मांगों को पंचायतवार, नगरवार और क्षेत्रवार
जिला स्तर पर कंसोलिडेट करके सरकार को भेजा गया है और इन मांगों का प्राथमिकता पर पूरा किया जा रहा है। Ensure urban farming's presence first time in Jammu. Grow organic vegetables on your roof without soil with zero wastage of water. यहां द हेड दिया गांधीनगर। कभी बेड सोने के अलावा खेल का मैदान होता है। खाने की मेज पर खाने के अलावा अपनों का साथ होता है। इसीलिए तो हम कहते हैं कि एक मकान घर तब बनता है जब वो KS फर्नीचर से सजता है। रिश्तों की मिठास का एहसास KS फर्नीचर के साथ।